नमस्कार दोस्तों, आज हम एक फेस योगा करने जा रहे हैं जिसमें हम बेसिकली अपने चीक बोन पे फोकस करेंगे कि कैसे चीक्स को कैसे हाईलाइट करें और एप्पल चीक्स कैसे रीगेन करें, ताकि हमारी जो फेस की जो शेप है, ये जो चीक्स हैं वो अपलिफ्टेड दिखाई दें और फेस की जो शेप है वो डिफाइंड हो। तो उसके लिए एक सिंपल सी एक्सरसाइज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो कैसे करनी है एक्सरसाइज, बेसिकली इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपको अपने लिप्स को आगे लेके आना है और ओ की आवाज़ निकालनी है, और फिर उसके बाद आप जब वापस ई करके लेके जाएंगे, ऐसे ये टीथ आपके दिखने चाहिए, और जो टंग है, ये जो टंग है वो अपर उस पे फ्लोर पे तालू पे लगी हुई होनी चाहिए, अपर फ्लोर पे लगी होनी चाहिए। तो देखिए कैसे करना है, और ये आपको 15 से 20 बार रोज ये एक्सरसाइज करनी है। और जब आप ये वाला करेंगे पोस्चर, तो इसमें आपको 10 सेकंड्स का होल्ड देना है। तो इससे क्या होगा, आपका ये जो चीक वाली जो मसल्स हैं, ये वाली जो मसल्स हैं, इनकी एक्सरसाइज होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ओ ऐसे, तो ये एक्सरसाइज करने से आपकी ये वाली जो मसल्स हैं वो एक्टिवेट होंगी, और आपको जब ये ई करते तो आपको ये ध्यान रखना कम से कम 8 से 10 दांत आपके दिखाई दें। और फिर से कर लेते हैं एक बार और। ओ तो ये एक्सरसाइज जो है, अगर आप रेगुलरली करेंगे तो इससे आपकी जो चीक है ये हाईलाइट होगी, और आपके शेप जो है सिमेट्रिकल शेप होगी, और एक अच्छा फेस आपका दिखाई देगा। क्योंकि 40 के बाद या 30-35 के बाद क्या होता है, हमारी फेस की जो चीक्स की जो ये मसल्स हैं, ये लूजन होनी शुरू जाती हैं और ग्रेविटी की वजह से नीचे पुल होनी शुरू जाती हैं। ठीक है, तो हमें इनको वापस पुश करना है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो उसके लिए ये एक्सरसाइज बेस्ट एक्सरसाइज है। इसके अलावा ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ की मसल्स को एक्सरसाइज करने के लिए आप एक और एक्सरसाइज जो मैं है वो बता रही हूँ, वो क्या है, ऐसे ही एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी ये चीक्स हाईलाइट होंगे। उम्मीद है आज आपको जो मैंने जो दो एक्सरसाइजेस बताई हैं, आपके चीक्स को हाईलाइट करने के लिए, चीक बोन को अपलिफ्ट करने के लिए, वो आपको पसंद आई होंगी। और इनकी प्रैक्टिस आप किसी भी टाइम दिन में कर सकते हो। 10-15 से 20 बार आप ये एक्सरसाइज करें, 2 टाइम करेंगे तो फास्टर रिजल्ट दिखाई देंगे। तो अगर आपको ये पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।